इससे ज़्यादा गुप अंधेरा मुंबई में कहीं नहीं मिल सकता है, और यहाँ पर मैं इसे दिखाने की और एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। रात का अंधेरा है, मुंबई में हूँ और मेरे साथ स्कॉर्पियो एन है, यानी कि ये एक नई एसयूवी फुल साइज जो कि बहुत बड़ी गाड़ियों को टक्कर देने आई है, और इसे बिग डैडी ऑफ एसयूवीज महिंद्रा बुलाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि रात में अगर लेके चलते हैं तो इसका प्रवाह कहाँ तक होता है रोशनी का, यही आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, सारे लैंप मैंने ऑन कर रखे हैं और इसी जगह पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसका नाइट राइड रिव्यू, जहाँ पर देखूंगा कि जिसमें इल्यूमिनेशन आता है, जो लाइट्स दी गई हैं, वो कितनी प्रभावशाली हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं जब आप बात करते हैं एसयूवीज में लाइट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को, देखते हैं क्या क्या इल्यूमिनेट होता है, और लाइट का प्रवाह दिखाता हूं आपको हर तरह से। अंधेरा एकदम कायम है, और जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है तो इस तरीके से आपको यहां पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एक इल्यूमिनेशन मिलता है, और यहां पर आपको इस तरीके का इल्यूमिनेशन मिलता है, और जब सामने आप बात करेंगे जब लाइट की तो इस तरीके से प्रकाशित होती है। और अभी मैंने क्या कर रखा है, इस लाइट के प्रवाह को मैंने रखा हुआ है हाई बीम पे, और जब लो बीम पे होगा तो देखिए लो बीम यहाँ, हाई बीम यहाँ, तो काफ़ी दूर तक अगर आपको देख पा रहे होंगे तो कितनी दूर तक जा रही है लाइट, ये आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने फॉग लैंप वगैरह सब ऑन करके रखा हुआ है, और जब एक लाइट बंद होती है सिर्फ फॉग लैंप ऑन रहेगी तो इतनी लाइट आपको मिलने वाली है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने ऑन किया और ये ऑन किया, तो ये थोड़ा आगे तक ये थ्रो करके दे देती है, और आप ये सब कुछ यहाँ से, एक बटन दिया गया यहाँ से सेट कर सकते हैं। और क्या क्या इल्यूमिनेशन है, तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पर देखिए आपको ये जो ऑडियो माउंटेड कंट्रोल है कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखने वाले हैं, बहुत अच्छे से दिखेंगे। और इस साइड में आपको जो क्रूज़ कंट्रोल वाला पूरा सिस्टम दिया गया है, जिसे आप MID एक्सेस करते हो, वो यहाँ से देख सकते हो, तो बहुत खूबसूरती से यहाँ पर दिया गया है। और इस साइड में जो पावर विंडो के बटन दिए गए हैं उस तरीके से इल्यूमिनेट होते हैं, यहाँ से आप पूरा का पूरा ORBM को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इल्यूमिनेशन ये हो गया, और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये रहा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इस तरीके से आपका स्वागत करेगा, बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है, और आप सेटिंग पे जाके और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पर व्यवस्था कंपनी ने दिया हुआ है। डिस्प्ले पे जाके आप डिस्प्ले को भी ब्राइटनेस वगैरह अगर कम करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस कम करेंगे, देखिए यहाँ पे इतना कम हो गया, और इतना तक बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम इतना कम कर सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं, और जब यहाँ पर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो इल्यूमिनेशन यहाँ का भी कम होगा, और यहाँ मतलब एक साथ में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसका इल्यूमिनेशन कम और ज़्यादा होता है। मैंने फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ दिया है क्योंकि अभी शूट करना है। इसके अलावा देखेंगे तो ये रात में पूरा ये वाला अपना AC कंट्रोल जो ऑटोमेटिक दिया गया है इस तरह से दिखता है, और पूरे बटन आपको एकदम क्लियर है, तो ऐसे लगेगा जैसे अंधेरे में कुछ टिमटिमाते तारे आपका स्वागत कर रहे हैं कि भैया आइए ऑपरेट करिए। SOS का बटन यहाँ पर दिख जाएगा, ये सब कुछ देखिए यहाँ पर दिया गया है। ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में आपको PR&D इस तरीके से नज़र आने वाला है। और अब ऊपर देखेंगे, ऊपर जो इल्यूमिनेशन आपको मिलता है वो यहाँ पर मिल जाता है, देखिए आपको ये रहा, लाइट ऑन करेंगे तो देखिए किस तरीके से चमक जाएगी, इस तरीके पे यहाँ पर चमक जाएगी, और जब ये लाइट ऑन होती है तो कितनी रोशनी आती है केबिन में ये भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको केबिन में रोशनी मिल जाती है, मतलब सब कुछ रोशन हो जाता है। फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद में अगर आप पीछे के साइड में चलाएँगे ये वाली लाइट, देखिए ये वाली लाइट जलाएंगे तो पूरा का पूरा जहाँ रोशन हो जाता है रियर सीट का, और थर्ड रो में भी आपको भी चल के दिखाता हूँ, थर्ड रो में अगर मैं चला देता हूँ लाइट तो कितनी रोशनी थर्ड रो में रहती है। देखिए यहाँ पर इतना हो गया, थर्ड रो के लिए मुझे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, बट मैं जाता हूँ, एक काम करता हूँ इधर से ही एक्सेस कर लेता हूँ, हाथ लंबे हैं तो उसका फायदा तो उठाना चाहिए, और मैं मुझे लगता है कि मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। यस, ये देखिए थर्ड रो की एक रोशनी जब और ऑन होती है तो इतना यहाँ पर पीछे पीछे का पूजा इतना ऑन हो जाएगा, और जब इस साइड में और एक है जब आप ऑन कर देंगे तो पूरा का पूरा केबिन रोशन हो जाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितनी रोशनी केबिन में बन जाती है अगर आपने सारी लाइट ऑन कर दी है, तो लाइटिंग का इसमें कोई इशू नज़र नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और अब पीछे और कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो पीछे इस साइड में
यहाँ पे जो रियर एसी आप करते हैं ऑपरेट, यहाँ पर मिल जाता है, और सी टाइप का चार्जिंग अलग से दिख जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इल्यूमिनेट होती हैं केबिन में। अब मैं क्या करता हूँ, ड्राइव करके बताता हूँ कि किस तरीके से आप चला रहे होते हो तो इसकी रोशनी का प्रवाह मिलता है। तो अगर रात की बात करें, जब आप इसे ड्राइव कर रहे होंगे तो देखिए पूरा अंधेरा है रोड पर, सिर्फ गाड़ियों की लाइट नज़र आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मुझे जो थ्रो मिल रहा है, अभी मैंने क्या है हाई बीम नहीं किया हुआ है, बट मुझे जब पास चाहिए ये मैं करता हूँ तो बड़े अच्छे से प्रोमिनेंट तरीके से ये आगे वाले को इशारा कर देता है कि भैया यहाँ से उन्हें जाना है और थोड़ा सा आप समझ जाइए। तो ये हाई बीम पर मैं चला नहीं रहा हूँ, लो बीम पर आप देखिए कितने अच्छे से मुझे इस गाड़ी के भी आगे रोशनी मिल रही है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है इस स्कॉर्पियो एन की। और पूरी लाइटिंग मतलब व्यवस्था जो कि जमाई गई है वो बहुत ज़बरदस्त है। स्टॉप माउंट लैंप अच्छे से अपना काम करता है, पीछे जैसे ही मैं पैर रखता हूँ इस पर ब्रेक पर स्टॉप माउंट लैंप जल जाता है और पीछे दूर तक पता चल जाता है भैया कोई आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को बहुत ही अच्छा अंदाज़ प्रदान करती हैं। और आप जब इसको लेकर निकलेंगे खास करके रात में ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ नहीं होगा प्रकाश के तौर पे, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया अगर रोशनी की बात की जाए तो आपको कितना कुछ ऑफर करती है ये स्कॉर्पियो वैन। और यही टेस्ट करने के लिए मैंने चूज़ किया आखिर नवी मुंबई में एक ऐसा रास्ता जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है, मतलब यहाँ पर लाइट के नाम पर कुछ नहीं है। और अब थ्रो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मैं एक बार हाई बीम फिर करता हूँ, सामने से कोई गाड़ी आ रही वो हट जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको कि थ्रो कहाँ तक जाता है। और जो इसमें सिक्वेंशियल लाइट दी गई है टर्न इंडिकेटर के तौर पर वो बहुत प्यारी लगती है, जैसे आपको एक SUV में नज़र आती है ना उसी तरीके से यहाँ पर दिखती है। तो देखिए मैंने किया, देखिए रोशनी कहाँ तक चली गई इस गाड़ी को चीरते हुए। मतलब अगर ये भैया भी अपना रोशनी बंद कर ले, लाइट बंद कर ले, तो इनके लिए भी ये स्कॉर्पियो वैन काम कर दे रही है लाइटिंग के तौर पे। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट लाइट दी है महिंद्रा ने अपनी इस स्कॉर्पियो में। और मुझे लगता है कि इस मामले में इसका कोई जवाब नहीं है और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होने वाली है। तो लाइट के फ्लो से किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, एक चीज़ तो ये तय हो गई है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको आँखों में ये रहता है पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और 17 सेंटीमीटर के आसपास का ये दिया गया है और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर मतलब अपना काम कर रहा है। तो आपको सारे डिजिट समझ में आते रहते हैं, तो एनालॉग मिल जाता है, लेकिन अगर मन करे भैया डिजिटल होना चाहिए यहाँ पे तो आप डिजिटल भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चूज करके दिखाता हूँ। तो आप आ जाइए और ये रहा डिजिटल आप चूज कर लीजिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब शुरू होगा तो शुरू वही वाला होता है, ये वाले से शुरुआत नहीं होती है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं इस गाड़ी में। तो इससे ज़्यादा गुप अंधेरा मुंबई में कहीं नहीं मिल सकता है। और यहाँ पर मैं इसे दिखाने की और एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मैं बता सकूँ भैया कि लाइट का फ्लो कैसा मिलता है। तो आप अगर एक इंटीरियर इलाके में होंगे जहाँ पर देखिए मतलब रास्ते का तब पता नहीं है, तो आपको कैसे समझा देगी ये गाड़ी, तो उस पर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसे वापस लेता हूँ यहाँ से फिलहाल और यहीं से टर्न करता हूँ एक मिनट में, क्योंकि ओके और देखिए इसका भी मतलब अच्छा लगने वाला है जिस तरीके से इसमें दिया गया कंपनी ने। इसका रिवर्स कैमरा बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मुझे एक छोटे से जगह से मैं गाड़ी को टर्न ले रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो इसमें कैमरा बहुत अच्छा है और बहुत परफेक्टली अपना काम कर रहा है। तो क्या है कि जब आप इसको लेके ऐसी स्कॉर्पियो लेके निकलते हैं तो लोग आपको रोक लेते हैं, भैया खोलो देखने का है गाड़ी, तो देखने का है गाड़ी। ये वाला जो जादू है सिर्फ महिंद्रा पैदा कर पाती है, चाहे इस XUV700O की बात करें या फिर इसकी बात करें, आपको हर जगह ये जादू करके दे देती है और लोगों को ये गाड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो फिलहाल मैं अपने ड्राइव रिव्यू में बस यही बताने की कोशिश कर रहा था, जब रात का अंधेरा होगा तो इस स्कॉर्पियो एन की लाइटें एक पावर हाउस बन जाएंगी और आप ना सिर्फ लोगों की आंखों में बसोगे बल्कि ये हर रास्ते को रोशन कर देगी। और ये चीज़ इसमें मुझे नज़र आई, देखिए जहाँ जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये रास्ता अपने आप दिखा दे रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यही जानना चाहता था कि अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता हो और वहाँ अंधेरा हो तो क्या उस जगह को ही रोशन कर पाती है, तो वहाँ पर ये सफल हो गई है। और यही मकसद था मेरा इस वीडियो में बताने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा।
फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिएगा, सारे जवाब ले जाइएगा।